हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर हॉल वीडियो। और आज का जो ये वीडियो है गाइस इज गोइंग टू बी मीशो हॉल एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मीशो के कुछ ट्राउजर्स शेयर करने वाली हूँ एंड दे ऑल आर सुपर अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सो अगर आप अपने ऑफिस और कॉलेज के लिए ट्राउजर्स देख रहे हैं ना, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज सारे ही ट्राउजर्स आर सो अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है और ये सारे ही बहुत अफोर्डेबल है। सो गाइस, टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना आज के इस वीडियो में, दैट विल बी 5। और इसके साथ में ना दो टॉप्स भी हैं, तो मैंने रिसेंटली दो टॉप्स परचेज किए हैं फ्रॉम मीशो, तो वो भी मैं आज के ही इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर गो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स Guys, the very first trouser for this haul is this in very beautiful brown color. This is basically जो coffee brown color होता है ना उसमें है, और जो इसका price है is 340 rupees. और इसके जो sizes है ना वो ऐसे दिए हुए थे S, M, XL, L, double XL. तो इसमें ना मैंने XL size लिया है, मेरी जो waistline है is 30, तो 30 waistline के लिए मैंने XL size लिया है. And this ट्राउजर इज सो अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा सुंदर सा, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा ट्राउजर है एंड इसकी जो लेंथ मुझे आई थी ना वॉज ऑल्सो सो परफेक्ट। तो इस ट्राउजर में गाइस आपको दोनों ही तरफ ना इस तरह से ये पॉकेट्स मिल जाएंगे, जो इसका वेस्ट लाइन है वो इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन है और इस ट्राउजर में स्ट्रेचेबिलिटी भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसका जो फिट आ रहा था वॉज सो अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था पहनने के बाद में। और ये वाला जो ट्राउजर है ना मैंने इस वाले टॉप के साथ में पेयर किया था, तो ये वाला जो टॉप है ना, अभी उल्टा हो रहा है मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, तो ये वाला टॉप भी गाइस मैंने अभी अभी परचेज किया है फ्रॉम मीशो एंड आई जस्ट लव्ड इट। सो दिस इज बेसिकली जो क्रॉप शर्ट होती है ना, ये क्रॉप शर्ट है एंड दिस इज सो अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लाइक आई जस्ट लव्ड इट। एंड इसका जो लुक आ रहा था ना इस ट्राउजर के साथ में, दिस वॉज लुकिंग सो सो अमेजिंग। सो दिस इज द शर्ट गाइस एंड दिस इज ऑल्सो सो नाइस, इसका भी जो स्टफ है ना ये काफी ज्यादा अच्छा सा है। और इसका जो प्राइस है, सो जो ट्राउजर का प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया 359 रुपीज, और जो शर्ट है उसका जो प्राइस है इज 143 रुपीज, जस्ट 143 रुपीज की है। और जो साइज मैंने परचेज किया है ना, साइज मैंने एक्सेल लिया है, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहती थी कि ना ये मुझे थोड़ी सी ना ओवर साइज रहा है, तो ओवर साइज काइंड ऑफ लुक क्रिएट करने के लिए ना मैंने इसको एक दो साइज बड़े में मंगाया है, बिकॉज मेरा जो साइज मीशो पे आता है दैट इज बेसिकली एल। एंड दिस इज हाउ द शर्ट इज लुकिंग, दिस इज सो अमेजिंग। और इस वाले पूरे आउटफिट के साथ में मैंने ये वाला बैग कैरी किया था एंड दिस बैग इज फ्रॉम द ब्रांड ज़ूक। एंड गाइस आप लोगों को ज़ूक के बारे में जरूर पता होगा, सो ज़ूक इज अ प्राउडली इंडियन ब्रांड, दे आर 100% वेगन, दे आर क्रुएल्टी फ्री, इनकी जो सारी चीजें होती है ना ये हैंडक्राफ्टेड होती हैं और मुझे जो इनके डिजाइन है ना ये बहुत पसंद आते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे ना आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लाइक ऑफिस बैग्स, बैग्स लाइक बैग्स की तो बहुत सारी वेरायटी है, एंड सेकेंडली इनके पास ना जो फुटवेयर्स है उसकी भी बहुत अच्छी वेरायटी है, और मुझे इनके प्रिंट्स है ना ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस वाले बैग का भी जो प्रिंट है ना, लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल द बैग इज। एंड इस वाले बैग के साथ में ना, लाइक मैंने सारे जो आउटफिट ट्राई किए ना, ज्यादातर मैंने इसी बैग को रखा है, जस्ट बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ज़ूक के जो बैग्स होते हैं ना वो ऑफिसर्स के लिए आर परफेक्ट। अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप कॉलेज जाते हैं ना, तो आप ज़ूक का बैग जरूर ट्राई करना, बिकॉज इतना ज्यादा स्पेशियस होता है, बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है, और स्पेशली ये वाला जो बैग है ना ये तो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। सो दिस इज हाउ द बैग इज लुकिंग, और इसमें इतना सारा सामान आता है ना, तो यहाँ पे इस तरह से ये एक लैपटॉप का कंपार्टमेंट दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे ये चेन है, यहाँ पे मोबाइल्स के लिए पॉकेट दिए हुए हैं एंड इनफ स्पेस इज देयर जिसमें आपका सारा वैनिटी वगैरह ना सब आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगेन ये एक चेन दिया हुआ है जो कि काफी ज्यादा डेप्थ तक है, और इस वाले बैग में यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ूक विच इज लुकिंग सो अमेजिंग, इसका जो ये डिजाइन है इज अगेन सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। So if you guys want to purchase anything from ZOOK, then this is the coupon code. You guys can check this out, because इस वाले coupon code के साथ में ना आपको additional discount भी मिल जाएगा. And I just love this bag. This is my super favorite, and I just love ZOOK. About this outfits, जो मैंने picture लगाया है ना, इसमें आप देख सकते हो, they both were looking so amazing. पहनने के बाद में काफी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे. And now coming up to the next ट्राउजर फॉर दिस हॉल, और जो अगला ट्राउजर है ना गाइस इज हाईली आई डोंट नो कितनी बार मैं हाईली बोलूं, बट दिस ट्राउजर इज हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज दिस इज सो
नाइस, बहुत अच्छा है गाइस। इसका जो मटेरियल है ना, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा मटेरियल है। इफ यू गाइस कैन बी एबल टू सी ऑन कैमरा ना, दिस मटेरियल इज सो नाइस, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सा और बहुत ही अच्छा सा मटेरियल है गाइस। आई डोंट नो कि मैं कैसी मटेरियल को डिफाइन करूं, बट मटेरियल इज सो 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 गुड। और इसकी जो फिटिंग मुझे आ रही थी ना, वाज सो अमेजिंग, बहुत ही अच्छे से मुझे फिट हो रहा था और काफी ज्यादा ना अच्छा लग रहा था। इसकी जो लेंथ मुझे आ रही थी ना, दैट वाज आल्सो सो परफेक्ट। और ये जो ट्राउजर है ना, जो कोरियन स्टाइल ट्राउजर्स होते हैं, दिस इज अ परफेक्ट कोरियन स्टाइल ट्राउजर। और जो इसका कलर है इज अगेन सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा सुंदर सा कलर है, काफी ज्यादा अच्छा सा इसका लुक आ रहा था। और इस वाले ट्राउजर को ना शायद मैंने मेरे यही वाले टॉप के साथ में पेयर किया था, तो इस वाले ट्राउजर का जो प्राइस है 652 रुपीज और साइज मैंने इसमें 32 लिया है। एंड जो ये टॉप है, इस टॉप का जो प्राइस है इस 129 रुपीज जस्ट, साइज मैंने टॉप में एल लिया था। एंड यू गाइस कैन सी द ओवरऑल जो लुक आ रहा है ना इसका, इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा सुंदर सा लुक आ रहा है। और ये ट्राउजर तो स्पेशली इज माई फेवरेट, माई सुपर 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 फेवरेट, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और 650 रुपए में गाइस अगर आपको ये वाला स्टफ मिल रहा है ना, ये वाला ट्राउजर, लाइक दिस इज स्टील ऑन डील, ट्रस्ट मी ऑन दिस। कलर, मटेरियल, क्वालिटी, एवरीथिंग इज सो नाइस एंड आई जस्ट लव्ड इट। एंड आई लव दिस टॉप ऑल्सो, इसकी भी जो फिटिंग आ रही थी ना, वाज सो परफेक्ट। इसमें भी अच्छी खासी स्ट्रेचेबिलिटी अवेलेबल है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा ये प्रिंट है। मुझे ये वाला प्रिंट ना बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड आई जस्ट लव्ड इट। एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट ट्राउजर फॉर दिस हॉल, और जो अगला ट्राउजर है गाइस इज This. So you guys always ask me कि ना आपको एक beige color का अच्छा सा trouser लेना है, तो I just found it on Meesho और ये वाला जो trouser है is this and look at it, how beautiful it is. इसका भी जो style है ना, जो proper Korean style trousers होते हैं ना, वही वाला ये trouser है। इसका भी जो material है is really nice और material में ना stretchability भी available है, जिसकी वजह से इसकी जो fitting आ रही थी was so amazing. इस वाले trouser की जो waistline है ना, waistline पे भी आपको इस तरह से ना ये elastic मिल जाएगी, जिसकी वजह से ना यहाँ पे ये काफी ज्यादा comfortable हो रहा था। दोनों ही तरफ इसमें pockets available है और यहाँ पे जो button closures है ना, यहाँ पे ये दो button closures दिए हुए हैं। इस वाले trouser को भी मैंने मेरी जो ब्लैक शर्ट है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, उसी के साथ में पेयर किया था एंड लुक वाज सो अमेजिंग। और इसका जो प्राइस है इज 340 रुपीस, साइज अगेन मैंने इसमें एक्सेल लिया था, बिकॉज इसमें जो साइज ऑप्शंस अवेलेबल थे ना, वो थे एस, एम, एल, एक्सेल, डबल एक्सेल, तो मैंने एक्सेल साइज परचेज किया है। अब परफेक्ट कोरियन ट्राउजर, अब परफेक्ट कॉलेज और ऑफिस वियर ट्राउजर एंड आई जस्ट लव। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट ट्राउजर फॉर दिस हॉल, तो जो अगला ट्राउजर है गाइस इज दिस। और ये वाला जो ट्राउजर है ना, पहले मैं आपको इसका ना प्राइस बता देती हूँ। तो इस वाले ट्राउजर का जो प्राइस है ना गाइस इज 241 रुपीज, जस्ट 241। और इसका जो साइज मैंने परचेज किया है ना इज साइज 32। हालांकि नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो आई वुड रिकमेंड कि इसमें ना आप एक साइज और बड़ा लेना। मेरा जो साइज है ना, मेरा जो यूजुअल साइज है ना इज 30, और 30 की जगह पे ना मैंने 32 परचेज किया है, और 32 भी नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा था। तो आई वुड रिकमेंड कि अपने साइज से दो साइज बड़े परचेज करना इस वाले ट्राउजर में स्पेशली। एंड दिस इज हाउ द ट्राउजर इज लुकिंग गाइस, 200-250 रुपए में अगर ट्राउजर मिल रहा है ना, दिस इज सो नाइस, बहुत अच्छा है। इसका भी जो मटेरियल है ना इज सो ब्यूटीफुल, काफी अच्छा सा मटेरियल है, स्ट्रेचिबिलिटी इसमें अवेलेबल है, बहुत ही ना मिनिमल सी स्ट्रेचिबिलिटी है, जिसकी वजह से फिटिंग काफी अच्छी आ रही थी। और जो इसकी वेस्ट लाइन इज लाइक दिस, और वेस्ट लाइन पे भी ना आपको बहुत ही मिनिमल सी ना स्ट्रेचिबिलिटी मिल जाएगी। दोनों ही तरफ इसमें ये पॉकेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे भी आपको अगेन ये पॉकेट्स मिल जाएंगे। स्टाइल जो इसका है वो कार्गो स्टाइल जो ट्राउजर्स होते हैं ना, वो वाला स्टाइल आ रहा है। लेंथ भी इसकी काफी ज्यादा ठीक सी आई थी, लाइक बहुत ना लंबा नहीं हो रहा था, बट येट काफी ज्यादा ठीक सा लग रहा था। एंड इसका जो कलर है इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैंने इस वाले ट्राउजर को ना बेसिकली इसके कलर की वजह से ही पिक किया था, बिकॉज मुझे ये वाला कलर ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा, काफी ना डिफरेंट काइंड ऑफ लग रहा था, तो आई जस्ट लव्ड इट। दिस इज सो नाइस गाइस, दिस इज अ स्टील ऑन डील, चाहो जाके ले लो, 250 रुपए में ट्राउजर इज सो अमेजिंग। बस साइज बड़ा लेना पड़ेगा, देन आपको फिट होगा, बड़ा टाइट होगा। नाउ कमिंग अप टू द लास्ट ट्राउजर फॉर दिस हॉल, तो जो लास्ट ट्राउजर है गाइस, दिस इज जो पैराशूट पैंट्स होते हैं ना, दिस इज अ पैराशूट पैंट्स।
एंड इतने ज्यादा हाइप पे है ना पैराशूट पैंट्स, लाइक एवरीबॉडी इज वियरिंग देम. तो मुझे मिले मीशो पे, तो मैंने परचेज कर लिए. एंड लुक एट देम, दिस इज हाउ दे लुक. तो सबसे पहले तो ना मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ. तो इसका जो प्राइस है गाइस इज 280 रुपीज, जस्ट 280 रुपए के हैं ये. साइज मैंने इसमें एल लिया था, मुझे एक्सएल लेना चाहिए था बट मैंने साइज इसमें एल लिया है. शायद इसीलिए ना ये मुझे थोड़े से टाइट हो रहे थे. तो दिस इज हाउ द ट्राउजर इज लुकिंग. मटेरियल इसका इतना ज्यादा अच्छा है ना, लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा मटेरियल है. इस तरह का मटेरियल ना मैंने कुछ टाइम पहले, मैंने डीकैथलन विजिट किया था, वहां पे इस तरह का मटेरियल देखा था इन पजामास एंड दे वर लुकिंग सो अमेजिंग. तो वो वाले भी जो पजामास थे ना वो पैराशूट पैंट्स ही थे, उनके वाला ही इसका मटेरियल है. मटेरियल क्वालिटी बहुत 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 अच्छी है. और ये वाला जो पैंट है इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ ये इलास्टिक दिया हुआ है एंड यहाँ पे इस तरह से ये दो पॉकेट्स मिल जाएंगे और नीचे की तरफ भी ना आपको इस तरह से एडजस्टेबल मिल जाएगा, जिसको कि ना आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी. एंड ये जो ट्राउजर है ना गाइस, ये मिड वेस्ट ट्राउजर है, लाइक ये ना हाई वेस्टेड नहीं आ रहा था, ये मिड वेस्ट आ रहा था. मगर इसमें अगर आप अपना साइज एक बड़ा लेंगे तो इसका जो फिट है ना वो ज्यादा अच्छा आएगा, बिकॉज मुझे इसके फिट में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी. एंड देन आई रियलाइज कि मैंने इसमें ना एक साइज छोटा लिया. मैं यूजली ट्राउजर्स में ना मीशो पे साइज एक्सएल परचेज करती हूँ फॉर वेस्ट लाइन 30. तो इसमें साइज मैंने एल लिया था तो इसलिए इसका फिट ऐसा आ रहा है. तो अगर आप लोग थोड़े से ज्यादा साइज में, लाइक मेरा जो लोअर एब्डोमेन है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी फिटिंग ना थोड़ी सी अच्छी सी नहीं आ रही थी. बट अगर आपका लोअर एब्डोमेन नहीं है, अगर आप स्लिम ट्रिम है, देन दिस इज अ हाईली 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 रिकमेंडेड ट्राउजर. बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. मटेरियल क्वालिटी कलर एवरीथिंग इज सो नाइस एंड आई जस्ट लव्ड इट. And that's all for today's video. I hope आज का जो ये वीडियो है आप लोग को जरूर 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 पसंद आया होगा. जो ये कलेक्शन मैंने आपको दिखाया है, ये कलेक्शन आपको जरूर अच्छा लगा होगा. And if you guys liked it, then please hit the like button for the video. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then guys please चैनल को सब्सक्राइब कर लेना for more such videos. और इसी के साथ में अब मैं आपसे मिलती हूँ guys next videos में, next reviews के साथ में. Till then अपना ख्याल रखो, take care. Bye.